हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम आपके लिए स्टेट वाइज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नागालैंड स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल फैक्ट्स लेके आ चुके हैं, कुछ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, मजेदार होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नागालैंड स्टेट को एक्सप्लोर करते हुए। नागालैंड स्टेट को द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो नागालैंड के बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नागालैंड के बारे में। नागालैंड हमारा एक स्टेट बना था, इंडिया का एक स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963 को, और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर, और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं नागालैंड में टोटल 15। नागालैंड एक ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। जैसा कि हम जानते हैं कि सेवन सिस्टर्स हैं हमारे ईस्ट में, यानी कि इंडिया के ईस्ट में जो सेवन स्टेट्स हैं, सेवन ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हैं जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, उनमें से एक है नागालैंड। और आप यहाँ पर नागालैंड की लोकेशन देख सकते हैं इंडिया के मैप में, और यहाँ पर नागालैंड जिसकी कैपिटल कोहिमा है उसके बारे में भी दिया गया है। अब बात करते हैं एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में। तो टोटल एरिया है नागालैंड का 16,579 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया वाइज रैंक ऑल ओवर इंडिया है 25th, और टोटल पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग 19,80,602, पॉपुलेशन वाइज रैंक है 25th, सेम एरिया वाइज रैंक भी 25th और पॉपुलेशन वाइज रैंक भी 25th, और टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है 119 पर किलोमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज और रिलीजन की। तो लैंग्वेज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोनियक, आउल, लोठा, अंगामी, चोकरी, संगतम, बंगाली, चैंग और बहुत सारी रीजनल भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, जिसमें से हिंदी और नेपाली भी कुछ भाषाएं हैं। ये सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। रिलीजन की बात करी जाए तो 88% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और हिंदुइज्म को 8.74% लोग, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और नागा फोक रिलीजन को भी बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। लिटरेसी की बात करी जाए तो ओवरऑल लिटरेसी यानी कि फीमेल और मेल्स की जो एवरेज लिटरेसी है इस स्टेट में नागालैंड में, वो है 18.11%। बात करें सेक्स रेशियो के बारे में, तो सेक्स रेशियो होता है पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं उस स्टेट में, उसे हम उस स्टेट के या फिर उस रीजन के सेक्स रेशियो के बारे में पहचानते हैं। तो नागालैंड का सेक्स रेशियो है 931। बात करी जाए नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो यहाँ पर टोटल 60 सीट्स होती हैं, जिसमें से गवर्नमेंट बनाई है यूडीए ने, जिसके पास टोटल 60 सीट्स हैं, एनपीएफ 25, एनडीपीपी 21, बीजेपी के पास 12 सीट्स हैं और आईएनडी के पास 2 सीट्स हैं। स्पीकर हैं सारिंगेन लोंगकुमेल जो एनडीपीपी के मेंबर हैं, 7 फरवरी 2020 को अपॉइंट किया गया था इन्हें। और जो डिप्टी स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर जिन्हें हम कहते हैं, वो हैं टी यांगसो सेंगटन, और ये इंडिपेंडेंट है यानी कि किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। और लीडर ऑफ द हाउस यानी कि चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है नेफ्यू रियो, जो एनडीपीपी पार्टी के हैं, 8 मार्च 2018 से इनको इलेक्ट किया गया है। और डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं येन थुंगो पेटोन, जो बीजेपी के मेंबर हैं, 8 मार्च 2018 से इन्हें भी अपॉइंट किया गया है। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है यहाँ पर, जो कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है क्योंकि सारी गवर्नमेंट ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, तो यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है वो यहाँ पर खाली है और यहाँ पर कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। बात करें चीफ मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, पहले चीफ मिनिस्टर जो थे नागालैंड के वो थे पी सिलु आओ, जिन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है यानी कि वर्तमान आजकल जो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के, वो हैं नेफ्यू रियो। गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात करी जाए तो पहले गवर्नर थे विष्णु सहाय जी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो प्रेजेंट गवर्नर हैं हमारे नागालैंड स्टेट के, वो हैं जगदीश मुखी जी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल लोकसभा सीट से यहाँ पर 1 है और टोटल राज्यसभा सीट से भी यहाँ पर 1 है, ठीक हो गया। और जो राज्य लोकसभा मेंबर हैं वो यहाँ पर हैं येपथोमी श्री टोखेको, जिनका यहाँ पर आप पार्टी नेम है एनडीपीपी। और जो राज्यसभा मेंबर हैं वो हैं एसएमटीएस फेंगनोंग कोनियाक, जो कि हैं राज्यसभा मेंबर स्टेट नागालैंड से, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। नागालैंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आपको पता होगा कि किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, उसे हम नागालैंड हाई कोर्ट कहते हैं। और नागालैंड हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आती है, जैसा कि हमें बताया कि एस्टेब्लिशमेंट इसकी 5 अप्रैल 1948 को हुई थी। और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागारम और मिजोरम, ये सारे स्टेट्स हैं, इनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो गुवाहाटी
हाई कोर्ट के अंदर आती है जो कि आसाम में लोकेटेड है। और यहाँ टोटल जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो है 24 परमानेंट 18 जजेस एडिशनल 6 जजेस। और जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं सुधांशु धुलिया जी, जिन्हें 10 जनवरी 2021 को अपॉइंट किया गया था। बात करें एम्बलम ऑफ नागालैंड की तो यहाँ पर देख सकते हैं एम्बलम ऑफ नागालैंड जिसमें लिखा है यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। द एम्बलम ऑफ नागालैंड इज अ सर्कुलर सील डिपिक्टिंग अ मिथुन बाइसन। ये मिथुन है जिसे हिंदी में मिथुन कहा जाता है या फिर डिजिटल लैंग्वेज में मिथुन कहा जाता है और बाइसन इंग्लिश में कहा जाता है। स्टैंडिंग ऑन अ ग्रीन हिली लैंडस्केप, जो कि एक ग्रीन हिली लैंडस्केप पे खड़ा हुआ है। और इसका जो मोटो है वो है यूनिटी एंड द वर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ऑफिशियल एम्बलम ऑफ नागालैंड स्टेट। बात करें स्टेट एनिमल यानी कि राज्य पशु की तो वह है गयाल और मिथुन। जैसा कि हमने अभी देखा कि स्टेट एम्बलम में नागालैंड के गयाल मिथुन की जो डिपिक्ट किया गया था, जो कि एक लैंडस्केप ग्रीन लैंडस्केप में खड़ा हुआ था, तो वही हमारा क्या है पशु है यानी कि राज्य पशु है नागालैंड का। बात करें स्टेट बर्ड की यानी कि राज्य पक्षी की तो वह है ब्लिट्स ट्रैगोपैन, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रे बेली ट्रैगोपैन भी कहा जाता है। और जो उसका कॉमन नेम है वह है एडवर्ड ब्लिथ, जिसे 1810 से 1873 जो एक साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर पढ़ा गया था। जो ये जो हमारे एडवर्ड ब्लिथ हैं ये एक इंग्लिश जूलॉजिस्ट और क्यूरेटर थे म्यूजियम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पे। तो इन्हीं के नाम पर इस बर्ड का नाम पड़ा है जिसे हम ब्लिट्स ट्रैगोपैन भी कहते हैं। और स्टेट फिश की बात करी जाए तो स्टेट फिश है चॉकलेट महसीर। चॉकलेट महसीर इसलिए क्योंकि इसका जो कलर होता है वो चॉकलेट कलर का होता है, तो इसको चॉकलेट महसीर और कॉपर महसीर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें स्टेट फ्लावर की, जिसे हम राज्य पुष्प भी कहते हैं, वो है रोडोडेंड्रॉन, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिंक कलर का फ्लावर होता है रोडोडेंड्रॉन। अब स्टेट ट्री यानी कि राज्य वृक्ष के बारे में बात करी जाए तो वो है एल्डर का पेड़, जैसे आपने इस तरीके के फूल बहुत ज्यादा इस पेड़ों में देखे होंगे, इस तरीके के अपने पेड़ देखे होंगे, जिसे एल्नस जीनस के नाम से भी जाना जाता है। ये एल्नस जीनस के ट्रीज होते हैं जिन्हें हम एल्डर्स कहते हैं। और नागालैंड का स्टेट डांस है चांग लो और सुआ लुआ के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करी जाए नागालैंड में कितने नेशनल पार्क हैं तो वहां टोटल सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम इन टैंकी नेशनल पार्क है, जिसे 1993 में स्टेब्लिश किया गया था और इसका टोटल एरिया है 202 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करी जाए तो नागालैंड में टोटल 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट हैं वो है फाकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुले बेर्जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिन्हें 1980 में स्टैब्लिश किया गया था। और जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है सिंग पेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका स्क्वायर अप्रोक्स 24 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। बात करी जाए कि कितने नेबरिंग स्टेट्स हैं और कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नागालैंड एक ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है आसाम के साथ, मणिपुर के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं नागालैंड का नागालैंड जो स्टेट है वो हमारा इंडिया के मैप में यहाँ पर है, जो अपनी जो बाउंड्री है वो किस किसके साथ शेयर करता है, मणिपुर के साथ, आसाम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। यहाँ पर भी आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर मणिपुर है आपका, यहाँ पर आसाम है और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी हल्की सी बाउंड्री टच करती है नागालैंड स्टेट को। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करी जाए तो म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नागालैंड, और म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था। और सम फेमस प्लेसेस की बात करी जाए नागालैंड में तो वह है दीमापुर, कोहिमा, मोकोचेंग और मोन। इनके अलावा वोखा, दुजको वैली, टुओफोमा विलेज, खोनोमा ग्रीन विलेज, ये सारे यहाँ के फेमस प्लेसेस। इनके अलावा बेंजरियू, मेलोरी, किफायर और पेरेन जोश, ट्वेंसांग और लॉन्ग लेंग, ये सारे फेमस प्लेसेस हैं नागालैंड के। यहाँ ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ब्यूटी से। फेमस फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड में बात करी जाए, सबसे फेमस जो फेस्टिवल है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसे हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार नागालैंड गवर्नमेंट ने 2000 में सेलिब्रेट किया था, उसके बाद हर साल इसे 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा।
और हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद जो कुकी ट्राइब है नागालैंड के, वो ये मानते हैं कि एक डिमोन है जिसका नाम तिलहा है, वो उनके जो गांव है, उनके जो प्लेस है, उसको विजिट करता है जनवरी के महीने में। तो उसको खुश करने के लिए वो हर साल 17th डे ऑफ जनवरी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 17 जनवरी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिसका नाम है मिमकुट फेस्टिवल। हमने बात करी हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, जिसे 1st से 10th दिसंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद हमने मिमकुट फेस्टिवल की बात करी, जिसे 17th डे ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा कौन सा महीना आता है, फरवरी का महीना आता है। तो फरवरी के महीने में सेकरेनी फेस्टिवल को हर साल 10 से 15 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और 25th फरवरी के अराउंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का, और हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर। तो भारत के, यानी कि हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो नागालैंड के पीपल्स के बीच में एवलेंग फेस्टिवल जो है, उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से के तौर पर हर साल मनाया जाता है न्यू ईयर के तौर पर। और तुलुनी फेस्टिवल को जुलाई के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है, 3 दिन के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और नेक न्यू लेम फेस्टिवल जो है, वो फन फील्ड फेस्टिवल है। ये जो फेस्टिवल है, ये सिर्फ फ्रेंडशिप को ही नहीं बढ़ाने को कहता है, जबकि अपने जो कल्चर और ट्रेडिशन है उसको भी बढ़ाने को कहता है। अपने साथ साथ दोस्ती के साथ साथ कल्चर और ट्रेडिशन को भी एक दूसरे के साथ प्रमोट किया जाता है कि इनके जो रिलीजन है उसमें फ्रेंडशिप को कितना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस तरीके से इसमें सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ये फेस्टिवल, और जुलाई के महीने में भी इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं फेमस डिशेज ऑफ नागालैंड की। तो उनमें सबसे फेमस डिशेज है बैम्बू सूट, जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सोन, जिसे फर्मेंटेड सोयाबीन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी वहाँ की बहुत ही फेमस डिशेज है। इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे बनती है और इसमें क्या क्या एड ऑन किया जाता है। और उसके बाद अगला फेमस डिश जो है यहाँ की, वो है अनिसी, ड्राई कोलोकेशिया स्टेम्स एंड लीव्स ये होती है। और नेम रिफर टू द कोलोकेशिया, आल्सो नोन एज अरबी इन हिंदी, और इसको अरबी कहा जाता है हिंदी में, और बहुत सारे लोगों ने अरबी को देखा होगा और खाया भी होगा। और अगला जो फेमस यहाँ की डिश है वो है समाथू, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बनता है। और समाथू के अलावा बुश मीट या फिर डॉग मीट भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है, और जो नागा पीपल है उनकी फेवरेट डिशेज में से एक है। जो लास्ट है ये यहाँ की फेमस ड्रिंक है, जिसे हम फेमस राइस बियर के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है जूथो, जिसका नाम है जूथो, ये फेमस राइस बियर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपको बहुत सारी नई चीज़ें नागालैंड के बारे में जानने को मिली होंगी, वहाँ के फेमस फूड्स, फेवरेट डिशेज, और नए नए कल्चर के बारे में, नए फेस्टिवल्स के बारे में, और फेमस प्लेसेस के बारे में भी जानने को मिला होगा, और बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन जो आपके एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी आपको जानने को मिली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें अगली वीडियो का सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, और उनके साथ भी अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी नागालैंड के स्टेट के बारे में कुछ नई चीजें जानें और उनको कुछ नई चीजें जानने का मौका मिले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।